अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, और तेरे बिन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, पब्लिक डिमांड को देखते हुए, और फिर कंट्रोवर्सी के बाद जिस तरह से इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए इस वक्त जो प्रोडक्शन टीम है, इस वक्त जो प्रोडक्शन हाउस है, जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो सर जोड़े बैठे हैं। और किस लिए सर जोड़े बैठे हैं? बहुत सारे लोग जो तेरे बिन के फैंस हैं, उन्होंने हमेशा से ख्वाहिश की कि वो तेरे बिन की कहानी पर एक फ़िल्म बनती देखें, और उसमें भी वहाज अली और यमुना ज़ैदी को लिया जाए, और वो जब सिनेमा पर लगे तो फिर वो सिनेमा में जाकर तेरे बिन की इस कहानी को एक फ़िल्म के तौर पर देखें और बड़ी स्क्रीन पर इस कहानी का मज़ा लें, और मीरब और मुर्तसिम की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी स्क्रीन पर देखें, तो मज़ा ही अलग आएगा। तो अब हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो, चूँकि तेरे बिन की गैर मामूली मकबूलियत को देखते हुए, और जब ये पिछले 4-5 दिन से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, इसकी हाइप को देखते हुए, अब ये सोचने पर इस वक्त लोग मजबूर हो गए हैं तमाम प्रोड्यूसर्स, और फैसला बहुत जल्द इस बारे में हो सकता है कि तेरे बिन की आखिरी 2 एपिसोड्स को सिनेमा में दिखाया जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मेरे पास तुम हो कि आखिरी एपिसोड को थोड़ा सा बड़ा करके सिनेमा में दिखाया गया था, और एक नहीं 2 रोज तक दिखाया गया था, और उसने और तेरे बिन के पास ये मौका होगा कि वो सिनेमा हिस्ट्री का, पाकिस्तान की जो अभी तक सबसे ज़्यादा बड़ी ओपनिंग है द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसका रिकॉर्ड तोड़ सके। चूँकि मेरे पास तुम हो ने जो मकबूलियत हासिल की थी, उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया था, और उस वक्त उसने सिनेमा में दूसरी बड़ी ओपनिंग दी थी, यानी जब वो लगा था 25 जनवरी को, उस दिन उसकी कमाई थी 2.5 करोड़ रुपए। और इससे पहले सिर्फ जवानी फिर नहीं आनी 2, उस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा से 2.9 करोड़ यानी 2 करोड़ 90 लाख रुपए कमा सकी थी। तो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट ओपनिंग दी थी उस वक्त मेरे पास तुम हो ने, और उसने तीफा इन ट्रबल को, जवानी फिर नहीं आनी 1 को, पंजाब नहीं जाऊँगी को, इन तमाम बड़ी बड़ी मूवीज़ को पीछे छोड़ दिया था। तो आप देखें कि ड्रामा पावर क्या होती है, कि बड़ी बड़ी मूवीज़ को भी एक अच्छा ड्रामा पीछे छोड़ देता है। पाकिस्तान के ड्रामे तो हैं ही मशहूर, तो तेरे बिन के पास इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी की सूरत में ये बड़ा ज़बरदस्त चांस है कि अगर तेरे बिन की आखिरी 2 एपिसोड्स को सिनेमा में लगाया जाता है, क्योंकि अब पाकिस्तान की स्क्रीन्स उस वक्त के मुकाबले में बढ़ गई हैं। मेरे पास तुम होने जब 3.5 साल पहले ये कारनामा दिखाया, तो उस वक्त बस स्क्रीन्स उस वक्त इस तरह से स्टेबल नहीं थी सिनेमा की, पाकिस्तानी सिनेमा लोग इस तरह नहीं जाते थे पाकिस्तानी प्रोडक्ट देखने जिस तरह उस वक्त गए। जो नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स थी उसका 70% एडवांस बुकिंग से फुल हो चुका था, और सारे शोज़ ऑलमोस्ट हाउसफुल गए थे, और बहुत ज़बरदस्त कमाई उसने की। तो तेरे बिन की जो पॉपुलैरिटी है वो उससे बहुत आगे की है, 2 अरब व्यूज़ क्रॉस कर जाना, फिर हर जगह डिस्कशन में रहना, सोशल मीडिया पर बातचीत होना। तो इस वक्त अगर तेरे बिन से मुतालिक फ़ैसला किया जाता है कि इसके आखिरी 2 एपिसोड्स को दिखाया जाए एक साथ मर्ज करके सिनेमा में, और शायद 2 और सिर्फ 2 दिन के लिए भी अगर दिखाएं, मेरे पास तुम उन्होंने दूसरे दिन भी, मैं आपको बता दूँ, याद आ गया कि 50 लाख का बिज़नेस किया था, यानी कुल मिला के सिर्फ 2 दिन में 3 करोड़ रुपये कमाए थे। इतना तो वीकेंड पर पाकिस्तान में मूवीज़ नहीं कमा रही हैं आजकल, आप देखें इस वक्त भी 3.5 साल गुजरने के बाद। तो तेरे बिन अगर लगता है ये 144 स्क्रीन्स पर, तो आप सोचें कि और ये हाउसफुल जाता है तो इसकी कलेक्शन बहुत आसानी के साथ ये 5.5-6 और शायद 6 करोड़ से भी ज़्यादा का ये बिज़नेस कर जाए पहले दिन, और अगर 2 दिन लगाया जाता है तो 7-8 करोड़ रुपए इससे इसके मेकर्स कमा सकते हैं। चूँकि इस वक्त हर बंदा ये चाहता है कि तेरे बिन की कहानी पर एक फ़िल्म बने और वो उसको सिनेमा में जाकर देखे, तो लोग तैयार हैं। जो पॉपुलैरिटी इस वक्त इसने हासिल की है, जिस तरह से कहानी ने ये नए मोड़ लिए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा लोग इस बात को लेकर बात कर रहे हैं कि अब इसकी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो हर एक बंदा अब क्लाइमेक्स का इंतज़ार कर रहा है कि आखिरी 2 किस्तों में क्या होगा, क्या मीरब और मुर्तसिम एक हो जाएंगे, या फिर ड्रामे का नाम चूंकि तेरे बिन है तो फिर मुर्तसिम क्या मीरब के बग़ैर ही रहेगा। और अगर OST को भी अगर आप इसको गौर से सुने, तो जैसे जैसे OST में जो जो कुछ बताया जा रहा है, वो ड्रामा बिल्कुल उसी तरीके से, उसी पैराए में, उन्हीं पॉइंट्स पर आगे बढ़ रहा है, और उन्हीं बोल पर, वो तमाम बोल बिल्कुल पूरा इस पर उतर रहे हैं। अगर आप गौर से OST सुने और ड्रामे की सिचुएशन को, कहानी को आप ज़रा दोबारा से मेमोराइज़ करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो OST ड्रामे की दरअसल पूरी कहानी बयान कर रहा है, और वही कहानी आपको होती नज़र भी आ रही है। तो अब अगर सिनेमा में इसको रिलीज़ किया जाता है, इसका फ़ैसला बस चंद एक दिन में होने वाला है, और इम्कानात ये हैं कि शायद पॉजिटिव ही फैसला होगा, क्योंकि ड्रामे की भी एक हिस्ट्री बन जाएगी कि मेरे पास तुम हो का रिकॉर्ड बहुत आसानी से तोड़ देगा जो इस वक्त इसकी हाइप बनी हुई है, और नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, और
ज़ाहिर है कि इस वक्त जब इसकी आखिरी एपिसोड्स ऑन एयर होंगी उस वक्त कोई बड़ी फिल्म, कोई ऐसी फिल्म जो कि बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही हो वो भी सिनेमाज में नहीं होगी। दो मूवीज़ आ रही हैं, कुकड़ी और दलदल, लेकिन ये दोनों ही चूँकि क्राइम थ्रिलर हैं, थोड़ी सी आप इनको डार्क टॉपिक कह सकते हैं, थोड़ी सी हार्ड कोर मूवीज़ हैं, तो ये अब शायद बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस ना बन सकें। और इनके बाद ही इनके हफ्ते दो हफ्ते बाद ये वक्त आएगा जबकि तेरे बिन की आखिरी दो एपिसोड्स ऑन एयर होंगी, तो ये गोल्डन चांस होगा बकरईद से पहले। बकरईद पे बड़ी बड़ी मूवीज़ आनी हैं, 6-7-8 मूवीज़ का क्लैश होना है, उससे पहले अगर एक वीकेंड पर 3 दिन तक लगा दिया जाए तेरे बिन की आखिरी एपिसोड को सिनेमाज़ में, तो 8-10 करोड़ रुपए का बिज़नेस, एक बेहतरीन बिज़नेस हो सकता है। हाईएस्ट ओपनिंग का अगर रिकॉर्ड नहीं बना तो सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद ज़रूर आ सकती है कि कोई 4.25-4.75 करोड़ तक की ओपनिंग हो जाए, और हो सकता है कि बिल्कुल मौला जट के नंबर को टच ही कर लें और एक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो ही जाए, कोई कुछ भी नहीं है। और फिर ये भी हो सकता है कि वहाज अली का वैसे तो डेब्यू, फिल्मी डेब्यू होना है ईद उल अज़हा पर तेरी मेरी कहानियां में, तो उससे पहले ही तेरे बिन की सूरत में ही सिनेमा में बड़ी स्क्रीन पर वहाज अली का डेब्यू हो जाए, और ये अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत कामयाब डेब्यू होगा और एक बड़ी ओपनिंग यकीनी तौर पर एक्सपेक्टेड होगी और एक ह्यूज वीकेंड एक्सपेक्टेड होगा, चूँकि ये बहुत ज़्यादा दो मैक्सिमम 3 दिन या हार्डली 2 दिन के लिए ड्रामा लगेगा, चूँकि फिर चैनल पर इसकी जो एपिसोड्स हैं उनको ऑन एयर होना होगा। तो ये अब देखते हैं क्या डिसीजन होता है, ये एक सजेशन भी है, ये एक होप भी है, ये एक ख्वाहिश भी है कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तानी ड्रामा, फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री तीनों के लिए बहुत अच्छा होगा, लोगों को सिनेमा जाकर अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट देखने की आदत पड़ेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।